फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज हाफ जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, सिरगिया, पोंचो किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर यह डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 19 के मल्टीपल फंदे लेकर के दो फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिए हैं मैंने 40 फंदे, 19 × 2 = 38 और उसमें दो फंदे एक्स्ट्रा। इसके लिए आप कार्डिगन और जैकेट में बनाना चाहती हैं तो स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा और फंदे आप हल्के से लूज डाल लीजिएगा। डिजाइन की पहली सिलाई है तो धागा अपनी तरफ करके आप पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ करके ये पूरी सिलाई ऐसे बनानी है। पहली सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर ली है। अब आ जाएगा इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड। दूसरी सिलाई भी आप इसकी पूरी उल्टी बना दीजिएगा। इस तरह से धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लीजिए। दो सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। तीसरी और चौथी, ये सिलाइयां भी इसकी उल्टी उल्टी ही बनानी है। तो धागा अपनी तरफ करके आप इसकी तीसरी सिलाई को भी उल्टी बना दीजिएगा और चौथी सिलाई जो उल्टी साइड से आएगी उसे भी पूरी उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से चार सिलाइयों में हमारी ये दो लाइनें आ गई हैं। अब आ जाइएगा इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई इसकी पूरी सीधी बनानी है। तो इस तरह से देखिए, धागा पीछे करके आप पूरी सिलाई को सीधा बना दीजिएगा। पांच सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाइएगा इसकी छठी सिलाई और उल्टी साइड। छठी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो धागा अपनी तरफ करके आप ये सिलाई उल्टी उल्टी बना दीजिए। छह सिलाइयां कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसकी सातवीं सिलाई और सीधी साइड पर। सातवीं सिलाई पर आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी सातवीं सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा हमारा एस्टिच है, इसे आप उतार भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। अब हमें यहाँ पर तीन बार दो फंदे का एक, दो फंदे का एक ऐसे करना है। तो देखिए, दो फंदे इस तरह से लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर से दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर से दो फंदे एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। इस तरह से तीन बार दो फंदे का एक करना है। अब देखिए, धागा पीछे और एक फंदा सीधा। अब हमने यहाँ पर छह जालियां डालनी हैं। तो देखिए, धागा अपनी तरफ कीजिएगा, एक फंदा बना दिया तो एक जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरे फंदे को बना दिया तो दो जाली आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करके तीसरा फंदा बनाया तो तीन जाली आ गई। धागा अपनी तरफ करके ये चौथा फंदा बनाया तो चार जाली। धागा अपनी तरफ करके पांच, धागा अपनी तरफ करके छह और धागा अपनी तरफ करके, अब हमने देखिए छह जाली हमारी हो चुकी हैं। अब छह बार दो फंदे का एक, दो फंदे का एक ऐसे करना है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए तीन फंदे हमारे यहाँ घट गए थे, तो जो हमने छह जालियां डाली वो तीन फंदे इधर के बढ़ गए हैं। अब बीच में जब हम छह बार दो का एक करेंगे तो तीन फंदे इधर पहले ही बढ़ चुके हैं, तीन जब आगे जाली डालेंगे तो बढ़ जाएंगे। तो देखिए, दो फंदे का एक किया, फिर दूसरी बार हमने दो का एक किया, फिर तीसरी बार दो फंदे का एक। अब ये देखिए, ये चौथी बार हो गया और ये पांचवी बार, और फिर से दो का एक हमने, ये देखिए छह बार हमने दो फंदे का एक किया है। अब फिर से हमने छह जालियां बनानी है ऐसे ही। तो धागा पीछे करके पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके देखिए, एक, दो और ये तीन, धागा अपनी तरफ करके चार, धागा अपनी तरफ करके पांच, धागा अपनी तरफ करके छह, अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा।
अगर इससे आगे आपके जितने पैटर्न बनेंगे फ्रेंड्स, आपने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। 6 बार 2 का 1, 2 का 1 कीजिएगा, आगे फिर से 6 जालियां डालिएगा और लास्ट में जो आएगा, देखिए 6 जालियां बनाने के बाद हमने 3 बार 2 का 1 करना है। देखिए 1, 2 और ये 3 और लास्ट का फंदा उल्टा। 7वीं सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, अब आ जाएगा इसकी 8वीं सिलाई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी, तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को मैं उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देती हूँ। अब आ जाएगा फ्रेंड्स 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई पर ध्यान दीजिएगा, पहला फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बना लीजिए या उतार लीजिएगा। फिर से हमने 3 बार 2 का 1, 2 का 1 करना है, तो देखिए 2 फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे और 2 का 1 किया, फिर से 2 फंदे इस तरह से लेंगे और 2 का 1, फिर से 2 फंदे इस तरह से लेंगे और 2 का 1 करें। ये देखिएगा हमने 3 बार 2 का 1, 2 का 1 किया है। अब आगे हमने फिर से वही 6 जालियां बनानी हैं, तो सबसे पहले धागा पीछे कीजिएगा और इस वाले फंदे को सीधा बना दीजिए। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए 1, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को बना दीजिए 2, धागा अपनी तरफ करके 3, फिर से धागा अपनी तरफ करके 4, फिर से धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये 5, फिर से धागा अपनी तरफ कर लीजिए और ये 6। इस तरह से 6 जालियां बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिएगा और 6 बार 2 का 1, 2 का 1 कीजिएगा। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे, 1 और ये दूसरी बार हमने 2 फंदे एक साथ लिए, 2 बार हो गया, और ये देखिए 2 फंदे एक साथ लिए, 3 बार हो गया, और ये 2 फंदे एक साथ लेकर के 2 का 1 किया, 4 बार हो गए। अब फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे, 5 बार हो गया, और फिर से 2 फंदे एक साथ लेकर के 2 का 1 किया। तो ये देखिए ये 6 बार हमने 2 का 1, 2 का 1 किया है। फिर से आगे हमने 6 जालियां बनानी हैं, तो धागा पीछे और 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए 1 जाली हो गई, धागा अपनी तरफ करके 2, धागा अपनी तरफ करके 3, धागा अपनी तरफ करके 4, धागा अपनी तरफ करके 5 और धागा अपनी तरफ करके 6। देखिए ये 6 जालियां बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और लास्ट में फिर से हमने 3 बार 2 का 1 और 2 का 1 करना है। तो देखिए 1 बार हो गया और ये 2 बार और ये 3 बार, लास्ट का फंदा हमारा स्टिच है तो इसे उल्टा बना लेंगे। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी सिलाई और 10वीं सिलाई पर। उल्टी सिलाई इसकी हमने पूरी उल्टी बना करके कंप्लीट कर देनी है। अब आ जाइए फ्रेंड्स इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। पहला फंदा इसका स्टिच है, आप बनाइए या उतारिए ये आपके अपनी मर्जी होगी। फिर से हमने 3 बार 2 का 1, 2 का 1 करना है, तो देखिए 2 फंदे इस तरह से एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे का 1 कर देंगे। 3 बार हमने 2 का 1, 2 का 1 किया। अब धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बना दीजिए और अब हमने 6 जालियां बनानी है, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और देखिए 1, 2, 3, 4, हर बार धागा अपनी तरफ करके जब हम फंदा सीधा बनाते हैं तो हमारी जाली बन जाती है, तो देखिए 5 और धागा अपनी तरफ करके ये 6। 6 जालियां बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और 6 बार हमने 2 का 1, 2 का 1 करना है, तो देखिए 1 बार और ये 2 का 1 किया हमने, 2 बार और फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, 3 बार हो गया, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, 4 बार हो गया, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, 5 बार हो गया और फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये 6 बार हमने 2 का 1, 2 का 1 कर दिया। फिर धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा बना दीजिए और आगे हमने अब 6 जालियां बनानी है, तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 1,
फिर धागा अपनी तरफ करके दो, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये तीन, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और ये चार, फिर से धागा अपनी तरफ करके पांच, फिर से धागा अपनी तरफ करके और ये छह। छह जालियां बनाने के बाद धागा अपनी तरफ कीजिएगा और लास्ट में हमने तीन बार दो का एक करना है। तो देखिए एक, दो और ये तीन, और लास्ट का फंदा इसका उल्टा। 11 सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आ जाएगा इसकी 12वीं सिलाई और उल्टी साइड पर, 12वीं सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। इस तरह से फ्रेंड्स 12 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट होता है। जब आप इसके बाद दोबारा से इसे रिपीट करेंगी तो यही चार सिलाइयां आपने पहले उल्टी उल्टी बनानी है, फिर दो सिलाइयां उसके बाद आपने ये सीधी और उल्टी बनानी है। छह सिलाई इस तरह से बनाने के बाद सातवीं सिलाई पर ये डिजाइन शुरू हो जाएगा और ये 12 सिलाइयां जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो देखिए आपका ये खूबसूरत सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।